स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समयपुर के कोमल हेल्थ सेंटर में छापा मारकर लिंग जांच कर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात कराने का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि सिविल सर्जन को सूचना मिली थी कि समयपुर गांव में गर्भपात करने का काम लंबे समय से किया जा रहा है। सिविल सर्जन पलवल ने इस बात की सूचना सिविल सर्जन फरीदाबाद को दी, जिससे दोनों जिले की संयुक्त टीम ने मिलकर इस हेल्थ सेंटर पर छापेमारी की। इस सूचना पर सिविल सर्जन फरीदाबाद ने एक छापामार टीम बनाई। टीम ने हेल्थ सेंटर में नकली ग्राहक बनाकर भेजा, फिर टीम ने पीछे से पहुंचकर काफी लंबे समय से चल रहे इस अवैध कार्य का भांडाफोड़ किया और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक ये क्लिनिक अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, ना ही यहाँ क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर आनंद के पास कोई लाइसेंस मिला। सिविल सर्जन पलवल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट से कुछ गर्भवती महिलाओं को या अबॉर्शन पर्पस के लिए कोमल हेल्थ सेंटर समरपुर फैजाबाद में लेके आया जाता है और यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्हें एमटीपी किट प्रोवाइड करवाता है और अबॉर्शन करने के लिए भी प्रेरित करता है और इसके बदले में वो हैवी अमाउंट इनसे चार्ज करता है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। कुछ केसेज ऐसे आए थे जिन्होंने इसकी दी हुई दवाई से एमटीपी किट ली और जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और हैवी ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी एबनॉर्मेलिटी उनके साथ होनी और उनकी जान पर भी बनाई थी। तो इसी सूचना के जांच के लिए डॉक्टर परवीन, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर सुदीप सैनी जी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर हैं पीएनडीटी के, उनकी टीम बनाई गई और उन्होंने एक नकली ग्राहक बनाई आज एक लेडीज़ और वो प्रेग्नेंट है। उस लेडीज़ को यहाँ पर भेजा गया और उसको नंबरी नोट दिए गए थे और वो लेडीज़ यहाँ के डॉक्टर आनंद से मिली और उनसे बताया कि वो ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट है और उन्हें एमटीपी किट चाहिए और अबॉर्ट करना है बच्चा। तो इन डॉक्टर आनंद यहाँ में मिले जो उन्हें उन्होंने 1,700 रुपये में उसको एक एमटीपी किट प्रोवाइड करी और उसको बकायदा उसको बताया कि किस किस तरीके से एमटीपी किट कंज्यूम करनी है। उस लेडीज़ का ना तो इन्होंने कोई टेस्ट कराया, ना ही कोई उनका हीमोग्लोबिन चेक कराया, ना ब्लड एचबी कराया, कुछ भी नहीं कराया। जस्ट उन्होंने बिना लापरवाही से करते हुए किट दे दी। कोमल क्लिनिक में एक तो इन्होंने एमटीपी किट ही दी है जो एबॉर्शन के लिए काम में आती है, जो हमने डिकॉय पेशेंट बना के भेजा था। इसके अलावा यहाँ पर एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत सारी है, इसमें से बहुत सारी दवाई हमने सील की हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है जिनसे जो मरीजों को देखने के काम आते हैं वो भी हमने सील किए हैं। इसके अलावा इनकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप और जो भी हमें यहाँ पे मिला है वो सब चीज़ सील। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है।